नमस्कार दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें के बताया गया है कि जीएसटी ऑफिसर को जीएसटी का ऑडिट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। इस सर्कुलर के अंतर्गत बताया गया है कि जीएसटी ऑफिसर टैक्सपेयर से इनवाइस वाइज इनवर्स सप्लाई रजिस्टर मांग सकता है। यहाँ पे इशू ये था कि ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनवाइस वाइज डेट ऑफ इनवर्स सप्लाई, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड एप्लीकेबल इंटरेस्ट देयर ऑन ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज फ्रॉम सप्लायर हुज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैव बीन कैंसल्ड और हु फॉर रिटर्न नॉन फाइलर बिकम डिफिकल्ट हाउ टू डील विद दिस इशू। तो यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है या व्यक्ति रिटर्न ही नहीं फाइल करता है तो उस केस में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और उस पर इंटरेस्ट किस प्रकार लगेगा, इसके लिए क्वेश्चन रेज किया गया था जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा, जिसका के डिपार्टमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया है। टैक्स ऑफिसर आर एडवाइज टू ऑब्टेन द इनवाइस वाइज इनवर्ट सप्लाई रजिस्टर फ्रॉम द टैक्स पेयर एंड मैच इट विद द डाउनलोडेड GSTR 2A 2B, कंपेयर द कैंसिलेशन इफेक्ट डेट एज वेल एज द रिटर्न फाइलिंग स्टेटस ऑफ द सप्लायर। इस प्रकार अब जीएसटी ऑफिसर परचेज का जो आपका रजिस्टर है वो मांग सकता है, उसे GSTR 2A 2B से कंपेयर कर सकता है। इस प्रकार यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा ऐसे सप्लायर से सप्लाई ली गई है जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया था तो कैंसिलेशन डेट के बाद वो टैक्स पेयर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकते और रिसिपियंट उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। इस प्रकार कैंसिलेशन इफेक्ट की जो डेट है वो देखी जाएगी और क्या सप्लायर जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा था ये स्टेटस भी देखा जाएगा और उसके बाद इन एलिजिबल ITC कैलकुलेट किया जाएगा हर टैक्स पीरियड के लिए और उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी की जाएगी टैक्स पीरियड वाइज। इससे ये भी पता लगाया जाएगा कि कितना ऐसा इन एलिजिबल ITC है जो कि सेक्शन 17 के अंतर्गत मेंशन किया गया है और टैक्स पीरियड ने क्लेम किया है। इस प्रकार अब आपको ध्यान रखना है कि यदि आप किसी ऐसे सप्लायर से सप्लाई ले रहे हैं जिसका कि GST नंबर ही कैंसिल हो गया है लेकिन फिर भी वो अपने GST नंबर को यूज़ करके टैक्स इनवाइस इशू कर रहा है तो उस केस में रिसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। दोस्तों, आप GST एक्ट के सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट दी गई है उस डेट तक ही आप ITC क्लेम कर सकते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। इस केस में GST ऑफिसर को हदायत दी गई है कि वो GSTR 3B की फाइलिंग डेट देखे और GSTR 1 सप्लायर ने कब फाइल किया था इसे भी चेक करे। GSTR 2A में ये डेट आती है और इसके बेस पे जो स्क्रूटनी है वो की जाएगी और जो डिमांड नोटिस या डिमांड ऑर्डर है वो इशू किए जाएंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप टाइमली इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करें। दोस्तों, यहाँ पे GST ऑफिसर के द्वारा GST डिपार्टमेंट से पूछा गया था कि जो GST डिपार्टमेंट के द्वारा डेटा प्रोवाइड किया गया है वो इनवाइस वाइज नहीं प्रोवाइड किया गया है जिससे कि उन्हें नहीं पता कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्सपेयर का डिसलाव होना चाहिए। इसलिए जब वो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग करते हैं तो उन्हें नहीं पता कि सप्लायर वाइज इनवाइस वाइज कितना एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्सपेयर के द्वारा क्लेम किया गया है। इसलिए यहाँ पे GST ऑफिसर के द्वारा अपने ही डिपार्टमेंट से डिमांड की गई थी कि ऐसा टूल डेवलप करें जिससे कि उन्हें इनवाइस वाइज डेटा मिल जाए और वो उसे जो है मैच कर पाए GSTR 2A से। इसके रिगार्डिंग जो है GST डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि GST रिटर्न सिस्टम इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इनवाइस वाइज डिटेल इनवर्ट सप्लाई की अवेलेबल नहीं है पीरियोडिक रिटर्न्स में, इसलिए इनवाइस वाइज डेटा सभी पैरामीटर के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, कुछ पैरामीटर के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसलिए GST ऑफिसर को कहा गया है कि वो ये इनवाइस वाइज जो डिटेल है इनवर्ट सप्लाई की स्क्रूटनी के लिए वो टैक्स पेयर से ले और उस GSTR 2A और 2B जो डाउनलोड की गई है GST पोर्टल से उसके साथ मैच करें। यहाँ पे जो डेटा है वो पूरी तरह ऑनलाइन नहीं है इसलिए जो GST ऑफिसर उसे मैनुअल वर्क भी करना होगा। इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के मैचिंग टूल को जो कि टैक्स पेयर को उपलब्ध कराया गया है वो यूज़ कर सकते हैं GST ऑफिसर। दोस्तों, GST के रिटर्न की स्क्रूटनी करते हुए GSTR 3B और GSTR 2A का डिफरेंस किस प्रकार निकालना है इसके लिए सर्कुलर में बताया गया है। टैक्स ऑफिसर को ये एडवाइस दी गई है कि वो सबसे पहले GSTR 1, GSTR 2A और GSTR 2B का डेटा सभी टैक्स पीरियड के लिए डाउनलोड कर लें जो कि स्क्रूटनी नोटिस में टैक्स पीरियड दिया गया है
और उसके बाद हेडवाइज जो है सप्लाईज को कंसोलिडेट कर लें, जैसे कि B2B सप्लाईज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इंपोर्ट, बिल ऑफ एंट्री, SCZ, IST क्रेडिट, TDS, TCS क्रेडिट, जिससे कि GST ऑफिसर अच्छे से वेरिफिकेशन कर पाए। दोस्तों यदि किसी सप्लायर के द्वारा GSTR 1 मार्च 2019 के बाद फाइल की गई है, तो उस केस में जो GST डिपार्टमेंट के द्वारा डेटा ऑफिसर को प्रोवाइड किया गया है उसमें इनवाइस वाई डिटेल तो दी गई है, लेकिन इनवाइस नंबर नहीं दिए गए हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता चल रहा कि ओरिजिनल इनवाइस वाइज GSTR 1 का डेटा कितना है और रिमाइंडर GSTR 1 का कितना है। तो इसके लिए GST डिपार्टमेंट के द्वारा हिदायत दी गई है सभी टैक्स ऑफिसर को कि वो GSTR 2A का डेटा सभी टैक्स पीरियड के लिए डाउनलोड कर लें, उसमें जो इनवाइस नंबर दिए गए हैं उन्हें रेफ़र करें, और उसमें जो GSTR 1 और GSTR 5 का फाइलिंग पीरियड दिया गया है सप्लायर का, यदि वो स्पेसिफाइड डेट के बाद है तो उसे कंसीडर किया जाए नोटिस टैक्स इशू करने के लिए टैक्स पेयर को। दोस्तों यदि GST ऑफिसर रिटर्न की स्क्रूटनी करेगा तो उस वक्त ये भी चेक किया जाएगा कि क्या रिसिपियन ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत GST प्रॉपरली पे किया है। तो इसके लिए जो इनवाइस वाइज डेटा है वो ऑफिसर को किस प्रकार मिलेगा इसके बारे में बताया गया है कि ये डेटा GSTR 1 में जो टेबल नंबर 4B में प्लॉट किया जाता है उसके बेस पे ये रिफ्लेक्ट हो जाता है GSTR 2A में, इसलिए GSTR 2A का Part B जो है वो डाउनलोड किया जाएगा। वहाँ पे सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज में यस मेंशन किया होता है, तो यस पे फिल्टर लगा के GST ऑफिसर ये पता कर सकता है कि कितनी सप्लाई है जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत ली गई है जिस पे के GST रिसिपियंट को पे करना होगा। GST ऑफिसर के द्वारा ये भी क्वेरी रेज की गई थी कि जब वो टैक्स पेयर का GSTR 3B और GSTR 2A को कंपेयर कर रहे हैं तो उन्हें एक्सेस ITC लग रहा है, लेकिन यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा फिर GSTR 9 फाइल कर दी गई है और जो डिफरेंस है उसे दिखाया गया है। तो इस केस में ये रिकन्सिलेशन किस प्रकार चेक करनी है इसके बारे में बताया गया है कि GSTR 9 के टेबल नंबर 6 में वो ITC आ जाता है जो कि आपने GSTR 3B में क्लेम किया है, वो ऑटोमेटिकली GSTR 9 में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। उसके बाद टैक्स पेयर को इसका फर्दर बाइफरकेशन देना होता है टेबल नंबर 6 क्लोज B से लेकर क्लोज O तक, जैसे कि कितना ITC रिक्लेम किया है या फिर किसी और रीज़न की वजह से दी ITC क्लेम किया है। और इसका जो नेक्स्ट टेबल 8 है उसमें जो GSTR 2A में ITC आ रहा है उसे एक्चुअल ITC क्लेम के साथ रिकनसाइल किया जाता है, इसलिए प्रॉपर ऑफिसर को यानी कि GST ऑफिसर को एडवाइस की गई है कि वो GSTR 9 का कॉलम 6M चेक करें, यानी कि एनी अदर ITC अवेल बट नॉट स्पेसिफाइड अबव। इसके अलावा GSTR 9 में जो टेबल 8C दिया गया है यानी कि जो आपने ITC नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है उसे भी रिकनसाइल किया जाएगा। दोस्तों मंथ वाइज इंटरेस्ट की लायबिलिटी किस प्रकार कैलकुलेट की जाएगी टैक्स पेयर की, इसके लिए GST डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिसर को कहा गया है कि वो GSTR 2A 2B को डाउनलोड कर लें, उसे कंपेयर करें GSTR 1 GSTR 3B। इसके अलावा वो क्लाइंट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जैसे कि इनवाइसिस या अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे के टैक्स पेयर के द्वारा GSTR 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, और इसके बेस पे पीरियड वाइज डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Sabir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।